हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम राइड्स। मैं हूं लपित और आज जिस बाइक पे वीडियो बना रहा हूं मैं, वो है हंटर 350 की डैपर ग्रे या डैपर सीरीज़ का रिव्यू करूंगा। इस समय आपको एक चीज़ बता दूं, रॉयल इनफील्ड की जो हंटर 350 है बहुत ही ज़्यादा सेल हो रही है, बहुत ज़्यादा हाइप हो चुकी है इस बाइक की और सबसे लेस्ट प्राइस से शुरू होती है, मतलब कम प्राइस से शुरू होती है। फैक्ट्री वेरियंट का प्राइस सबसे कम है, पर इसके बाद ये डैपर सीरीज़ है और डैपर सीरीज़ के कलर को लोग इतना पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको टोटल फाइनेंस ऑप्शन, प्राइस और टोटल स्पेसिफिकेशन का आपको रिव्यू करने वाला इस वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसका जो आपको फ्रंट टायर जो है, आपको ट्यूबलेस मिलने वाला है। सीआउट और एमआरएफ दोनों में मिल जाता है आपको ये टायर। और इसका जो टायर है 110/17 इंच का आपको ये टायर मिलने वाला है। डिस्क की बात करें तो आपको 300 mm की फ्रंट डिस्क मिलने वाली है। बाइब्री के आपको कैलिपर मिलने वाले हैं और डुअल चैनल ABS बाइक है दोस्तों ये। और मडगार्ड जो है इसका प्लास्टिक का मिलने वाला है। टेलीस्कोपिक आपको सस्पेंशन देखने को मिले, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट आपको हैलोजन बल्ब के साथ देखने को मिलने वाली है। इंडिकेटर्स आपको ऑरेंज लेंस के साथ, आपको हैलोजन बल्ब के साथ इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। हैंडल की बात करें तो हैंडल आपको ब्लैक देखने को मिलने वाला है और मिरर्स आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलने वाले हैं। इसमें आपको रोटरी स्विच मिल जाती है, सेल्फ रोटरी स्विच मिल जाएगी, आपको डिमर रोटरी स्विच मिल जाती है, इंडिकेटर स्विच मिल जाएगी, हॉर्न स्विच, यहाँ पर आपको आई बटन मिलता है मीटर की सेटिंग करने के लिए और हैजल लाइट की आपको ऑप्शन भी मिलने वाली है। और आपको दोस्तों इसमें एक USB का ऑप्शन भी मिलने वाला है जिससे आप फ़ोन और ब्लूटूथ चार्ज कर सकते हो। इसके बाद इसके मीटर की बात कर लेते तो आपको डीजी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है इसमें, जिसमें आपको डिजिटल जो रीडिंग है उसमें आपको टाइमिंग की, ऑडो रीडिंग देखने वाली है, गियर के ऑप्शन देखने वाले हैं। और ये इस आई बटन से आप इसके ट्रिप को भी चेक कर सकते हो, ट्रिप ए ट्रिप बी देख सकते हो आप, उसके बाद ट्रिप ऐप भी चेक कर सकते हो। ट्रिप ऐप में आप जो रिजर्व में पेट्रोल हो जाता है, जैसे रिजर्व लगे ट्रिप ऐप शुरू हो जाएगी, उसकी रीडिंग शुरू हो जाती है। आपको जो हैंडल लॉक और इग्निशन आपको यहीं पर मिलने वाला है। फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक आपको 13 लीटर का मिलने वाला है, पूरा डैपर ग्रे कलर आप देख सकते हो, कलर कितना अच्छा है। और इसमें रॉयल एनफील्ड की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको EN एनफील्ड का EN दिखेगा, रॉयल एनफील्ड की RO देखने को मिलने वाली है। क्रोम लीड इसमें आपको देखने को मिलने वाली है और E20 इथेनॉल पेट्रोल वाली बैजिंग देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हम सीट की बात करें तो सिंगल सीट मिलने वाली है, सीट की कुशनिंग बहुत ही अच्छी है, 790 mm की आपको सीट हाइट देखने को मिलने वाली है इसकी। साइड वाले कवर जो है वो आपको प्लास्टिक के देखने को मिलते हैं। इंजन की बात करें तो प्योर ब्लैक कलर, मतलब पूरा इंजन जो है आपको ब्लैक कलर में देखने को मिला है। J1 सीरीज़ का 349 cc का आपको इंजन देखने को मिलता है। ट्विन डाउन टू स्पाइन फ्रेम देखने को मिल जाती है, सिंगल हॉर्न देखने को मिलेगा आपको। गियर लीवर आपको जो है ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है। फुटपैक आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेंगे, मूवेबल फुटपैक है। और साइड स्टैंड की बात करें तो वो भी ब्लैक में, स्टैंड ब्लैक कलर में है। रियर फुटरेस्ट की बात करें तो ये भी आपको मूवेबल देखने को मिलने वाले हैं। सस्पेंशन भी आपको ब्लैक कलर मिलेंगे, स्टेप आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। इसमें सारी गार्ड आपको नहीं देखने को मिले, मडगार्ड कैरियर देखने को मिलता है हमें यहाँ पर। और ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो 150.5 mm की आपको ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल जाती है इस बाइक में। अब रियर टायर की बात करें तो 140/70 17 इंच का ही रियर टायर देखने को मिल रहा है। टायर काफ़ी वाइड है आप देख सकते हो और ट्यूबलेस टायर है दोस्तों, डुअल चैनल ABS बाइक है। 270 mm की रियर डिस्क देखने को मिलने वाली है। एग्जॉस्ट की बात करें, एग्जॉस्ट आपको ब्लैक कलर का देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर आपको जो रियर डिस्क का ऑयल देखने को मिल जाता है। रियर मडगार्ड की बात करें, प्लास्टिक का रियर मडगार्ड देखने को मिलता है। और टेल लैंप जो है आपको, वो आपको LED देखने को मिलती है यहाँ पर, राउंड शेप की, और ये मड फ्लैप कह देते हैं वो आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, यहाँ पर एक LED लाइट है, जब नंबर आप बाइक ऑन करेंगे नंबर प्लेट लगी हुई तो रात के समय वो नंबर प्लेट को शो करती है। तो इसके बाद हम इसके प्राइस की बात करें, उससे पहले हम वेट की बात करें तो 181 kg इसका जो है कर्व वेट है। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस की। इस समय इस बाइक का जो प्राइस है 1,69,656 का शोरूम प्राइस है और ऑन रोड प्राइस 1,98,000 है दोस्तों। तो इस समय सिर्फ ये हंटर सीरीज़ की बाइक है रॉयल एनफील्ड में जो अभी 2 लाख से नीचे है, मतलब ऑन रोड प्राइस में। डैपर सीरीज़ हो गई या फैक्ट्री सीरीज़ हो गई, और इस बाइक को पसंद भी बहुत कर रहे हैं लोग। और इसके मैं कैंटीन प्राइस की बात करूं, कैंटीन में आपको इसमें और भी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि इसका कैंटीन में जो आपको ऑन रोड प्राइस जो है 1,75,500 का देखने को मिला, मतलब 24,000 का आपको डिफरेंस कैंटीन में देखने को मिला। आप CPC में भी ये गाड़ी ले सकते हैं, पुलिस ऑफिसर जो होते हैं उनको 7 से 8 हज़ार का डिफरेंस उनको देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम फाइनेंस की बात करें तो लगभग 4,999 डाउन पेमेंट देके भी आप ये गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो। तो लो डाउन पेमेंट, आपके सिबल स्कोर अच्छा है तो लो डाउन पेमेंट में ये गाड़ी आपको अवेल हो जाती है।
इसके बाद हम बात करें कंपनी की तरफ से आपको क्या मिलता है। 3 साल की आपको इसकी वारंटी मिलने वाली है, 4 फ्री सर्विसेज मिलती है जिसमें लेबर फ्री होती है, 1 साल का आरएसए आपको साथ में मिलता है। और इसकी राइडिंग की बात करें तो राइडिंग बहुत ही अच्छी है, मतलब पिकअप बहुत अच्छी है इस बाइक की। माइलेज की बात करें तो 35 to 36 इसकी माइलेज हो जाती है दोस्तों। तो इस समय जैसे मैं बता रहा था, वैल्यू फॉर मनी बाइक है दोस्तों, बहुत अच्छी बाइक है, रॉयल एनफील्ड की बाइक है। मतलब आपको पता ही, रॉयल एनफील्ड की बाइक को जल्दी कुछ नहीं होता है। तो एक तरह से हम रोस्टर बाइक को कहें अगर रेसिंग की तरह, तो ये सबसे बेस्ट बाइक है, स्ट्रीट बाइक कह देते हैं जिसे। तो इस समय इस ये बाइक सेल भी बहुत हो रही है, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको रिव्यू कैसा लगा। आपको कोई सवाल है मन में, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो दोस्तों। मैं इस समय जगराऊं की डीलरशिप में रॉयल एनफील्ड की, तो आपको कोई उनसे इंक्वायरी करनी तो नीचे दिए गए नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हो। नंबर फ्लैश हो रहा है नीचे जो इस डीलर का, तो आप इनको कॉल कर सकते हो। तो होप है वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कोई बाइक के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।